अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैर वाफिस होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ ग्वादर से कराची। कराची का सफ़र रात को इंशाल्लाह ताला मैं आप दोस्तों को रिव्यू कराने वाला हूँ कि ग्वादर से कराची का सफ़र रात को कैसे होता है। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक कंपनी की बस खड़ी हुई है, ये अल मुमताज़ ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ी है, तो ये कराची जा रही है। मगर मेरी जो टिकट है वो जावेद ट्रांसपोर्ट के अंदर है, यानी कि जावेद ट्रांसपोर्ट वालों की जो गाड़ी है उसमें, तो वो ट्रांसपोर्ट बस अभी आई नहीं है। मैं उसका वेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला जैसे वो बस आती है तो मैं आपको वो बस भी दिखाऊंगा कि वो बस किस तरह की बस है। यू टर्न मास्टर वालों की बस है, तो लग्जरी गाड़ी है, किस तरह की गाड़ी, इंशाल्लाह मैं पूरी बस का भी आप दोस्तों को रिव्यू कराऊंगा। उसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को ये भी रिव्यू कराऊंगा कि रात को बंदा जब ग्वादर से कराची जाता है तो किस तरह के व्यू आते हैं और गाड़ी के अंदर क्या चहलकदमी होती है और सुबह पहुँचते बंदा कितना टाइम लगता है और रास्ते में कहाँ गाड़ी रुकती है। तो ये जो भी सारी एक्टिविटीज़ होगी इंशाल्लाह ताला आज के व्लॉग में आप दोस्तों ने व्लॉग कंप्लीट देखना है। तो इंशाल्लाह ताला सुबह मैं जैसे कराची पहुंचता हूं तो आपको पूरा आज के व्लॉग में पता पड़ेगा कि नाइट में अगर आप बस में सफ़र करते हैं ग्वादर से कराची का तो वो किस तरीके से होता है। फ्रेंड्स, माशाल्लाह हमारी बस भी पहुंच गई है अल जावेद ट्रांसपोर्ट कंपनी की, तो बस हम इंशाल्लाह ताला इस बस में सवार होने वाले हैं। तो ये देखें बहुत लग्जरी बस है माशाल्लाह, आउट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बस आ गए माशाल्लाह, इसका गेट ओपन हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला बस हम इसमें चढ़ने वाले हैं। तो आपको इंशाल्लाह ताला इस बस का मैं थोड़ा सा रिव्यू भी देता हूँ कि ये बस कैसी है। तो देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म की बस है, आउट क्लास, अल्हम्दुलिल्लाह लग्जरी गाड़ी है ये जावेद ट्रांसपोर्ट की। मैंने आपको बताया कि जावेद ट्रांसपोर्ट ग्वादर का मोस्ट फेमस ट्रांसपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इसमें सफ़र करने वाले हैं आज ग्वादर से कराची तक, इंशाल्लाह ताला जो भी होगा तो आपको बताते जाएंगे दोस्तों को इंशाल्लाह ताला कि कैसा हमारा सफ़र रहा है सुबह से इंशाल्लाह ताला कराची तक, किस टाइम तक गाड़ी पहुँचती है। तो इंशाल्लाह ताला आप हमारे साथ रहें तो इंशाल्लाह ताला। जी तो फ्रेंड्स, अभी मैं सामान रखवा रहा हूँ, बस ये मेरा बैग है, तो बस ये बैग रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला बस मैं जाता हूँ अंदर गाड़ी में। फ्रेंड्स ये देखें, ये इनके सोने का सिस्टम होता है नीचे बना हुआ है। यहाँ पे ड्राइवर, दो ड्राइवर होते हैं, एक ड्राइवर पहले सोता है फिर दूसरे टाइम पे दूसरा ड्राइवर सोता है माशाल्लाह। जी तो फ्रेंड्स, माशाल्लाह खैर वाफिस, हम बस में बैठ गए हैं, सीट मुझे बड़ी अच्छी मिली है माशाल्लाह, बड़ी लग्जरी गाड़ी है अंदर। माशाल्लाह बाहर तो बड़ी ठंड लग रही थी मगर अंदर माशाल्लाह गाड़ी बहुत गर्म है माशाल्लाह, बिल्कुल इजी फील कर रहा हूँ मैं। तो माशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खैर वाफिस से हम सुबह पहुँच जाएँगे कराची। तो इस तरह पूरी गाड़ी का रिव्यू कराता हूँ, देखें पूरी गाड़ी चकाचक भरा हुआ है माशाल्लाह, बहुत सारे फ्रेंड्स बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, तो हर कोई अपने अपने हिसाब से सफ़र कर रहा है माशाल्लाह, कोई किधर जाएगा कोई किधर जाएगा, हम तो कराची जा रहे हैं, तो कराची से आगे हम फिर हैदराबाद जाएंगे इंशाल्लाह ताला।
अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, अल्लाह के शुक्र से हम ओड़माड़ा रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। तो 7:30 बजे हमारी गाड़ी चली थी गवादर से, माशाल्लाह खैर ऑफिस से 11:30 बजे हमने ओड़माड़ा पे ब्रेक किया है। तो ये सामने हमारी जावेद ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है। तो 4 घंटे के अंदर ये माशाल्लाह खैर ऑफिस से ओड़माड़ा पहुँचे हैं। तो अभी हम कुछ खाते हैं पीते हैं इंशाल्लाह ताला। 20 मिनट का ये बता रहे हैं हमारा रेस्ट है यहाँ पर। तो 20 मिनट के बाद फिर ये कराची के लिए इंशाल्लाह निकलेगी। तो मौसम भी बड़ा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आउट क्लास बना हुआ है, अल्लाह का करम है, माशाल्लाह बादल बने हुए हैं। मुझे लगता है कि रास्ते में बारिश के होने का भी इम्कान है। तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का मौसम है और उसके साथ ये रेस्टोरेंट है यहाँ पर, ये गाड़ी रुकी हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रेस्टोरेंट भी जिनका जावेद वालों का अपना ही है, इस पर लिखा हुआ है न्यू जावेद। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह का करम है, खैर ऑफिस से अभी यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी देखें आगे क्या है, रेस्टोरेंट के अंदर भी चलते हैं। फ्रेंड्स ये इनकी चाय है माशाल्लाह, तो चाय का लगा हुआ है के साथ, ये देखें रश लगा हुआ है खाने पे। तो ये माशाल्लाह कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, खाना वाना खा रहे हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह खैर वापस से कराची बस टर्मिनल पर पहुंच गए हैं। तो ये जो सफ़र का हमारा दौरान का फ्रेंड्स, ये 12 घंटे का रहा। वैसे तो नॉर्मली 10 घंटे लगते हैं, 2 घंटे ज़्यादा इसलिए लगे कि चेक पोस्टों पे ज़्यादा रश था। तो बच्चा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बेहतर रहा, लग्जरी गाड़ी थी, हम सुकून के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए। गवादर से कराची का किराया तो 1200 रुपये था माशाल्लाह, तो हमने 1200 रुपये पे किए थे। तो 12 घंटे का सफ़र भी रहा, जिसमें से नॉर्मली जो सफ़र होता है 10 घंटे का होता है, मगर 2 घंटे में एक्स्ट्रा लगे जो चेक पोस्टों पे रश ज़्यादा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ब्लॉग आप दोस्तों को पसंद आया होगा। तो बस मैं इस तरह से गुजारिश करूँगा आप दोस्तों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और दोस्तों के साथ शेयर किया करें। मुझे कमेंट करके बताएँ कि रात का सफ़र बेहतर रहता है या दिन का सफ़र बेहतर रहता है। तो इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे एक और ब्लॉग में एक और पॉइंट से। जब तक अपने दोस्त जायद बोजार को इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।